हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू डीप टेक ऑफिशियल। एंड दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सभी लोग रेडमी के 20 एंड रेडमी के 20 प्रो स्मार्टफोन कैसे ऑर्डर कर सकते हो। एंड दोस्तों, काफ़ी आसान है। और मैं बता दूं इसकी लॉन्चिंग डेट के बारे में, तो ये जो दोस्तों फ़ोन है ये 17 जुलाई 12 PM को लॉन्च हो जाएगी। और ये दोस्तों MI और फ्लिपकार्ट दोनों पर ही अवेलेबल आपको मिलेगी। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, दोनों पर ही बताऊँगा कि आपको कैसे ऑर्डर करनी है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, जरूर आपको समझ में आ जाएगी। तो इसमें दोस्तों एक प्रॉब्लम और हो जाती है हम लोगों को, जब भी कोई नई स्मार्टफोन लॉन्च होती है, जैसे कि कोई भी हुई, तो वो दोस्तों अक्सर 12 PM को ही लॉन्च होती है। तो आप लोग उसे बाय कहते हो, तो दोस्तों मालूम चलती है ये तो आउट ऑफ स्टॉक हो गई। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। ये जो होती है दोस्तों, इतनी फास्ट सेल होती है MI की कि दोस्तों 12 बजे सेल ही लगती है। एंड दोस्तों 12:01 भी नहीं होती है तब तक दोस्तों ये जो होती है आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। तो ये दोस्तों हम लोगों के साथ बहुत ही बुरा होता है, हम लोग ऑर्डर नहीं कर पाते। पर दोस्तों इस बार जो होती है MI हम लोग को कुछ अलग रजिस्ट्रेशन फीचर से दिया है, जिससे दोस्तों हम लोग जो होती है स्मार्टफोन्स को आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे दोस्तों, उसके लिए आपको दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखनी होगी, वीडियो को लास्ट तक देखना, और मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग भी ऑर्डर कर पाओगे। और यहाँ पर मैं आपको सारी रूल्स समझा दूंगा, सारी यहाँ पर मैं आपको फीचर्स दिखा दूंगा कि आप कैसे ऐसे कर सकती ऑर्डर। ये काफ़ी बढ़िया अपडेट है यहाँ पे MI की तरफ से, कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, ऐसे आपको स्मार्टफोन मिल जाएगी। तो देखो दोस्तों वो कैसे होती है। तो सबसे पहले दोस्तों आप MI, अगर MI से जो होती ऑर्डर करना चाहते हो MI स्टोर से, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो देखो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे कैसे कर रहा हूँ, आप लोग को देख करके ही समझ में आ जानी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि ये कैसी है, कैसी फ्लैक्सेल है। सबसे पहले अगर आप और भी अच्छे से समझना चाहते हो, तो मैं बताता हूँ इसमें पूरी की पूरी बात शेयर की गई है। ये जो आप लोग देख रहे हो, ये जो वीडियो है यूट्यूब की वीडियो है, यहाँ पर आप लोग ये वीडियो देख लेते हो तो भी आप लोग समझ जाओगे। एंड ये मैं बता दो दोस्तों कि ये आपको 12 जुलाई को ही यहां पे एक आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। तो कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आती है यहां पे मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पे आपको सब कुछ लिखी हुई है, यहां पे हाउ टू पार्टिसिपेट, आपको पार्टिसिपेट कैसे लेनी है, तो यहां पे सारी कुछ दी हुई है, स्टेप 1, 2, 3 एंड 4, यहां पे चारों स्टेप दी हुई है। आप लोग बड़े आराम से जो होती है अपनी फोन को ऑर्डर करने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे सकते हो। तो यहां पर सबसे पहले तो आपको मैं नॉर्मली सिंपल सी मैं समझा देता हूँ, आप लोग पढ़ भी सकते हो कि यहां पे जो दी हुई है दोस्तों कि आपको 8 से 55 यानी कि 885 रुपीज पे करनी होगी अल्फा सेल में, जो कि 12 जुलाई 12 PM को होगी। तो वो आप लोग 855 रुपीज आपको पे करनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन में। तो दोस्तों इसके बारे में मैं और कुछ बता दूं कि आप लोग सोच रहे होंगे अगर मैं पे कर दूं और अगर बाय चांस मुझसे कोई गलती हो जाए या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाए मेरे साथ कि मैं ये फोन ना खरीद पाऊं, तो ये जो मेरी 855 रुपीज है ये मुझे वापस मिलेगी या नहीं, तो इसके बारे में मैं आगे बताता हूं। फिलहाल दूसरी स्टेप देखो, यहां पे जो दूसरी स्टेप है दोस्तों, आपको ऐसा कहने से आपको ये जो ग्रांटेड अल्फा सेल एक्सेस है ये मिलेगी। और दोस्तों आप लोग इसे कंप्लीट कर सकते हो, कंप्लीट कर लो, यहां पे आप लोग पढ़ के ही समझ सकते हो। आपको सब कुछ कहने के बाद जो होती है दोस्तों 17 जुलाई को आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगी और वहां पर आप लोग चाहो तो आराम से फोन अपनी ऑर्डर कर सकते हो, वहां पर आपको ऑर्डर करने के लिए आ जाएगी। एंड दोस्तों मैं बता दूं कि जो आपकी 855 रुपीज़ है वो दोस्तों आपकी ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी, उस जितनी भी फ़ोन की रेट होगी, प्राइस होगी, उसमें ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। एंड आपको 855 रुपीज़ माइनस करके उसमें आपको देनी होगी, ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ऐसा यहाँ पे कुछ रूल्स है, आप यहाँ पे रिमाइंडर मी कर देते हो तो ये आपको नोटिफाई कर देगी जब भी 12 जुलाई 12 PM को जब भी ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म की ऑप्शन आ जाएगी। तो यहां पे एक बात मैं और बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो 855 रुपीज है ये दोस्तों अगर मैं बाय चांस मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मैं फ़ोन नहीं लेता हूं, तो क्या मुझे ये पैसे वापस मिल जाएंगे? तो जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, पैसे तो वापस मिल जाएंगे, पर दोस्तों आपकी ये जो MI अकाउंट है इसी में मिलेगी, या फिर जो फ्लिपकार्ट पे है, फ्लिपकार्ट अकाउंट है आपकी, उसी में मिल पाएगी। ऐसे वैसे आपको नहीं मिल पाएगी, यानी कि बैंक अकाउंट में नहीं मिल पाएगी, आपको इसी में मिलेगी। आपको इस पैसे से जो होती है दोस्तों बस बाय ही कर सकते हो, कुछ ऑर्डर ही कर सकते हो,
आप इसे बैंक अकाउंट में नहीं भेज सकते हो। तो मैं यही न्यूज़ देना चाहता था दोस्तों, मुझे भी ये स्मार्टफोन लेनी है इसलिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। एंड दोस्तों इसके बारे में मुझे जो भी न्यू अपडेट्स मिलती है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। उसके लिए दोस्तों आपको हमारे चैनल डीप टेक ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करनी होगी, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर देनी होगी। इससे दोस्तों क्या होगी कि जब भी मैं वीडियो डालूँगा इससे रिलेटेड इसकी अपडेट्स वो आपके पास ज़रूर पहुँच जाएगी। तो आप लोग ये ज़रूर कर लेना। एंड दोस्तों आप चाहो तो फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हो अगर आपके पास से MI की फ़ोन्स नहीं है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों फ्लिपकार्ट में आने के बाद आपको क्या करनी पड़ेगी, नीचे में जानी पड़ेगी और यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस मिल जाएगी जो कि MI की है। यहाँ पे देखो लॉन्चिंग 17 जुलाई, तो यहाँ पे आपको क्लिक करो एंड यहाँ पे भी आपको नोटिफाई मी कर लो। एंड नोटिफाई मी जैसे ही आप कहते हो आपको यहाँ पे डिटेलिंग्स मांगते हैं, आपकी मोबाइल नंबर, ईमेल एंड आपकी नेम। यहाँ पे आपको नोटिफाई करने के लिए ये आपको सेंड कर देगी नोटिफिकेशन नंबर पे, ईमेल पे, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो ये दोस्तों काफ़ी मज़ेदार थी। एंड दोस्तों आपको आप ऐसे करके डेफिनेटली अपनी ऑर्डर कम्प्लीट कर सकते हो। तो दोस्तों अपनी ऑर्डर कम्प्लीट करना, 12 जुलाई को रेडी रहना 12 PM को, ठीक है ना, आपकी जो होगी स्मार्टफोन से रेडी हो जाएगी ऑर्डर करने के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको मालूम ही है क्या करना, लाइक शेयर तो जरूर कर देना, कमेंट्स करके बताओ कि आप ये फ़ोन लेना चाहते हो कि नहीं। आप जो भी वेरिएंट खोजोगे वो आपको वेरिएंट मिल जाएगी। एंड दोस्तों आज की वीडियो समाप्त होती है इसी के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।